हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एमसीजी अकेडमी ग्वालियर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2.2 जो एक्सरसाइज हमारा चल रहा था, क्लास 8 का अपना मैच चल रहा है, तो एक्सरसाइज अपना 2.2 चल रहा था। ओके, तो इसको कहा हमारा 11 नंबर का सवाल हुए थे, आज हमको 12 नंबर का सवाल करना है। मैं आशा करता हूं जो मैंने आपको 11 क्वेश्चन समझाए थे उनमें आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि आप लोगों को कोई भी परेशानी है तो फिर भी आप लोग हमें संडे कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो उसको हम आपको आसानी से द्वारा सॉल्व करवा देंगे। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने 12 नंबर के क्वेश्चन से। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से एक बात और बताना चाहूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जिससे हम लोगों को लगना चाहिए कि आप लोगों के लिए कुछ प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो आप लोग जैसा ही हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो आप लोग अपनी मैथ्स की बुक निकालकर बैठ जाना है। सब क्वेश्चन आप लोगों की किताब में से ही हम करवाते हैं, जिससे आप लोगों को जो सॉल्यूशन हो सके और आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल हो सके। कुछ बच्चे हमारे ट्यूशन नहीं जा पाते तो घर बैठे ही आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपना 12 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि इज will be four times his present age, what is Ravi's present age? पूछा गया है सीधा सीधा हिंदी मीडियम वालों को भी, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम को। सो आप लोगों को बोथ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद की बोला गया, 15 वर्ष बाद मान लिया हम लोगों ने। इसको शुरुआत करते हैं, लेट पहला नंबर का अपना क्वेश्चन चल रहा है, माना रवि की वर्तमान आयु, मान आयु कितना माना, एक्स वर्ष हम लोगों ने माना। लेट रवि's प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों को थोड़ा मैं होशियार मानता हूँ, इस कारण से उनको आसानी से लिख लेना है, मैं आपको इंग्लिश में बताता चलूंगा। Let Ravi's present is X year, okay? अब वो आप लोगों से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखना है। 15 year from now Ravi's is कह रहा है कि वर्तमान आयु जो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, ऐसा बोल रहा है ना। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी, चूंकि हमने ये माना है इसीलिए क्या 15 वर्ष बाद की बात करें तो 15 वर्ष बाद जो है रवि की आयु होगी, रवि की आयु कितना होगा दोस्तों, 15 वर्ष बाद रवि की आयु होगी x प्लस 15 वर्ष। ओके, देन हम उसके बारे में बात करते हैं, वो हमसे क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को बताया जा रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है वो उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो आप लोगों से प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू को हम लिखते हैं शॉर्ट में। आप लोगों से प्रश्नानुसार हमारे हिंदी में वाले बच्चे लिख रहे हैं, तो प्रश्न में क्या दिया गया है, 15 वर्ष बाद मींस आफ्टर 15 ईयर इसकी जो वर्तमान आयु है वो 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद इसकी आयु क्या है, x प्लस 15, वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, और बराबर में आप लोगों को क्या लिखना है, 4 गुनी हो जाएगी ना इसकी वर्तमान आयु की। तो इसको कर दीजिए आप 4x। ओके, अब आप लोगों को x का वैल्यू क्यों निकालना है, 15 इधर रखा, 4x माइनस x, ये आप लोगों का हो जाएगा 3x = 15। x² आप लोगों क्या आने वाला है, 15/3, इसको कट कर देना है तो 5 टाइम्स आप लोगों का होने वाला है। मींस x का जो वैल्यू प्राप्त होगा आप लोगों का 5 ईयर होगा। मींस कहने का ये है कि वर्तमान आयु यदि रवि की पूछी गई है, पूछा क्या गया है आप लोगों से, रवि की वर्तमान आयु, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या होने वाली है, 5 ईयर। ये था आप लोगों का 11 नंबर का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे मैं लेकर के चलता हूँ आप लोगों को 12 नंबर के क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। हम आप लोगों के लिए जल्द से जल्द आपके भाई लोगों के लिए भी अच्छी से अच्छी क्लासेज जो उपलब्ध करवाने वाले हैं। साथ ही साथ डिफेंस की जो अकेडमी आप लोगों के लिए चालू हो चुकी है, नीचे चैनल का अपडेट करना है आप लोगों के लिए। एमसीजे डिफेंस जो एकेडमी, हमारे कुछ स्टूडेंट जो हैं अभी तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं इसके। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया, क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 13 नंबर का क्वेश्चन। आप लोगों से क्या कहता है, इरेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3
टू द प्रोडक्ट यू गेट माइनस 7 अपॉन 12. व्हाट इज द नंबर, मीन्स आप लोगों से पूछा गया है एक परिमेय संख्या की 5/2 से गुणा करने पर, जो हमने मानी है परिमेय संख्या उसको हम 5/2 से गुणा करते हैं और 2/3 जोड़ने पर हमें माइनस का 7/12 प्राप्त होता है. ऐसा हम लोगों से बोला गया हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को, सभी लोगों को अपनी बुक निकाल कर बैठ जाना है क्योंकि इससे आप लोगों क्या है क्वेश्चन समझ में आता रहेगा. तो वह संख्या क्या है ये आप लोगों को फाइंड करना है. तो हम इसको शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. सिर्फ अभी तक जो हमारा अच्छा क्वेश्चन था वो था हमारा बाईचुंग वाला जो क्वेश्चन था वो वेरी ईजी था. इसको हम शुरुआत करते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन. आप लोगों से क्या कहता है 13 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से कहता है क्या, वो बोल रहा है कि जो एक परिमेय संख्या है, तो मान लिया वह संख्या, माना कि वह संख्या क्या है, एक ही ऐसा है जिसको हम चाहे मन चाहे जब मान लेते हैं एक्स. अब वो आप लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है 5/2 से गुणा करने पर, मीन्स एक्स जो आप लोगों का दिया है इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई एंड आप लोगों को दिया गया है 2/3 को एड करना है. तो एड कर दीजिए 2/3 देन आपको प्राप्त होता है माइनस का क्या हो रहा है माइनस का 7/12 यू गेट. ओके देन इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व ही तो करना है. 5x/2 प्लस 2/3 ये हमारा इधर जाने वाला है तो माइनस का 7/12 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2/3 हो जाएगा. ओके ये होगा आप लोगों का 5x/2 ये होगा आप लोगों का एलसीएम. यदि आप इसका लेते हो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, मैंने आपको रैशनल नंबर का जोड़ना घटाना आप लोगों को सिखाया है तो ये रैशनल नंबर है, आप लोग देख रहे होंगे बी अपॉन बी के फॉर्म में जो दिए गए हैं. तो इनका यदि आप एलसीएम लेते हो तो 12 आने वाला है. 12 और 3 का एलसीएम यदि आप लेते हो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए. यदि कुछ भी चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उसका क्या कौन सा पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया, यदि आप हम आप लोगों को जो डाउट यदि कमेंट में दूर कर सकते हैं तो हाल की हर, नहीं तो आपको संडे को वीडियो उसका मिल जाएगा. ओके तो आप लोगों का 12 एलसीएम आता है. अब इसके बाद क्या करते हैं इस वाले संख्या को जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका हम इसमें डिवाइड देते हैं तो 1 टाइम जाएगा 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस का 7 आने वाला है. देन अगेन माइनस का साइन है. 3 का यदि अपन इसमें डिवाइड देते हैं 4 टाइम जाएगा 4 का ऊपर यदि मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 8 होने वाला है. देन आप लोग कितना आने वाला है 15 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस का 15/12. ये आप लोगों का एक और इक्वेशन निकल के आई टोटल क्या 5x/2 माइनस का 15/12 दिया गया है. हम इसको काटते हैं 5 3 15 होगा और यदि 2 से कट करते हैं 2 6 12 होगा तो देन x का जो वैल्यू प्राप्त होने वाला है और इसका करते हैं 3 2 मीन्स x का जो मान होगा 1/2 होगा. साथ ही साथ जो आप लोगों को माइनस में मान प्राप्त होने वाला है तो x का जो वैल्यू होगा वो माइनस का 1/2 होगा, मीन्स वह संख्या क्या होगी माइनस का 1/2 आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा. ओके आई होप आप लोगों को क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी. हम आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में आप ही की भाषा में और बहुत धीरे धीरे तरीके से समझा रहे हैं. यदि आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आता है तो हम फिर भी आप लोगों के लिए एक बार और मौका देते हैं संडे कमेंट बॉक्स के द्वारा. साथ ही साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस भी लगाई जाएंगी परीक्षाओं के दौरान. ओके तो जब तक के लिए आप जुड़े रहिए और अपने मित्रों को भी बता दीजिए 10th तक का पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए इस चैनल पर उपलब्ध होने वाला है. तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो चुका है. आगे मैं आपको ले चलने वाला हूँ 14 नंबर का क्वेश्चन. आप लोगों से 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है देखिएगा. ये रहा आप लोगों का 14 नंबर का क्वेश्चन. 14 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार ध्यान से. लक्ष्मी इज कैशियर इन बैंक. लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर है. She has currency notes of demonetization 100, 50 and 10. Respectively, the ratio of number of these notes is 2, 3 and 5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each demonetization does she have? सीधा सीधा आप लोगों से पूछा गया है. लक्ष्मी जो है रिजर्व बैंक में कैशियर है. कैशियर आप जानते हो जो खाते की जांच करती है या पैसा आता है उसका कलेक्शन रखती है उसे हम कैशियर कहते हैं. यदि आपका मैथ अच्छा हो जाएगा तो शायद हो सकता है आप लोग भी यदि कैशियर बन जाओ. आई होप सभी स्टूडेंटों का जो है जॉब तो लगना ही चाहिए लेकिन हम आप लोगों के लिए जो कर रहे हैं यदि उसके बाद भी आप लोगों का जॉब नहीं लगता है, आप अच्छे मार्क्स से पास नहीं होते हो तो हम लोगों को कैसा लगेगा ये हम आपको नहीं शेयर कर सकते. बहुत ही हर्ट फील होता है. तो हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन दिया गया है लक्ष्मी एक बैंक में
खा जांची है, मीन्स खाता जांचने वाली, उसके पास नगदी के रूप में 150 व 10 के नोट हैं, उसकी संख्याओं का क्रम से अनुपात क्या दिया गया, 2, 3 और 5। और उनका जो कुल मूल्य आप लोगों का दिया गया है 4 लाख रुपए है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लिया जो 100 रुपए 50 रुपए 10 रुपए की नोटों की संख्या का रेशियो क्या दिया गया है, 2, 3 और 5। तो हम मानते हैं, क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से क्या कहता है, हम लोगों ने मान लिया, माना 100 रुपए 50 रुपए और क्या हमारा 10 रुपए के नोटों की संख्या क्रमशः कितना होगा, x में दिया, इनको मानते हैं रेशियो क्या दिया, 2, 3 एंड 5, तो क्रमशः 2x 3x एंड 5x है। अब यदि हम एक रूप में बात करें कि जिस प्रकार से आप लोगों को दी गई है कि नकदी कुल कितने नोट होंगे, जैसे 100 रुपए के नोटों की यदि बात की जाए, यदि जैसे 100 रुपए के नोट दिए गए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी संख्या आपको दे दीजिए 2 है। अब 100 रुपए के यदि 2 नोट होंगे तो 200 रुपए होंगे, सीधी जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों के लिए कोई अचरज पड़ने वाली तो बात है नहीं। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, 100 रुपए वाले नोटों के जो कुल रुपए कितने होंगे, तो कहने का मतलब 100 रुपए वाले नोटों की कुल रकम या कुल पैसे या कुल नकदी, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, कुल नकदी आप लोग कितनी होने वाली है। अब 100 रुपए वाले नोट है, हमने मान लिया 2x इसको माना है, तो 2x × 100 करने वाले हैं कि नहीं, आप अपने हिसाब से मानिएगा। आपके पास 100 रुपए के 2 नोट है, मैं बात करूं रुपए कितने, तो आप लोगों के पास 200 रुपए होंगे ना, तो हम भी तो वही कर रहे हैं ना, कितने होंगे 200 रुपए होंगे। सेम कंडीशन यदि 3x की फॉलो करें हम, मीन 50 रुपए वाले नोटों की कुल नकदी कितनी होने वाली है, 3x हमने इसका रेशियो माना है, 250 करेंगे तो होने वाला है आपका इस 150 रुपए। साथ ही साथ आप लोगों का 10 रुपए की जो नोट है उनसे यदि बात की जाए कुल नकदी कितने होने वाली है, जिनका 5x रेशियो माना है, तो इनको 10 यदि हम करने वाले हैं तो ये आप लोगों का होने वाला है। अब आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया गया है कि जो नोट है उनका कुल मूल्य कुल रकम कितनी हो रही है, 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए हो रही है। तो कहने का मतलब सीधी सीधी बात है कि ये जो रकम है वो 4 लाख रुपए के बराबर होगी। सॉरी से इनमें x भी आप लोगों को लगाना है, पूरा पूरा मल्टीप्लाई यदि आप करोगे तो आप लोगों को x भी आएगा। ओके, अब कहने का मतलब इन सभी का जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए बात, तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार समझाना चाहूंगा। एक्चुअल में क्या है, आप लोगों को नोटों की संख्या का क्या रेशियो दिया गया है, तो रेशियो को हमने एक्स से डिवाइड करके एक्स से मल्टीप्लाई करके आप लोगों को ये संख्या बना ली है, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब आप लोगों से बोला गया है 100 रुपए 50 रुपए 10 रुपए के नोटों की संख्या आप लोगों रेशियो में दे रहे थे, तो हमने इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके 2x 3x एंड 5x बना दिया। अब आप सोचिएगा यदि आपके पास 100 रुपए के 5 नोट हो तो आपके पास 500 रुपए होंगे ना, तो हम लोगों के पास क्या है 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x थी, x लगाया है इसमें, तो यदि 2x का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 200x होने वाला है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, वेरी इजी है। अब इसी के साथ यदि 50 रुपए की बात की जाए सेम कंडीशन, यदि 10 रुपए की बात की जाए सेम कंडीशन, तो आप लोगों का सीधा सीधा क्या होने वाला है, ADQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग क्या बता रहे हैं कि मीन 200 रुपए प्लस ये हम जोड़ेंगे ना, क्योंकि इन्हीं की संख्या 4 लाख के बराबर है, प्लस 150 रुपए प्लस 50 रुपए बराबर कितना होने वाला है, x के साथ देखिएगा, बराबर होने वाला है 4 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार और लाख 4 लाख रुपए हो गया। आपको इनको ऐड करते हैं होगा आप लोगों का 300 और 400 आप लोगों का ऐड होगा, कितना होगा 400x बराबर होने वाला है आप लोगों का 4 लाख। ओके, अब यदि इसका एक्स का यदि हम मान ज्ञात करने की सोचते हैं, इसको हम आसानी से मिटा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, आशा करता हूं। फिर भी आप लोगों को भी परेशानी हो तो आप लोग आसानी से मेरे संडे का मेरे बॉक्स हाजिर है, इसी के साथ यदि अपन इसको करते हैं तो x का क्या वैल्यू प्राप्त होने वाला है 4 लाख, 4 लाख इसमें यदि हम डिवाइड देने वाले कितने से 400 से,
कट गया 2 0 2 0 एंड 4 से पॉजिटिव है, बना आएगा यहाँ पर मीन 1000 आने वाला है, एक्स का मान कितना आएगा 1000। अब क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ गया है 100 रुपए के नोटों की संख्या। अभी आपने देखा था 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या 2x 3x 5x मानी थी। यदि बात की जाए कि 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने मानी थी क्या 2x, और 2 × x समान हमें प्राप्त हो चुका है कितना 1000। तो ये होगा आपका 100 रुपए के नोटों की संख्या होगी 2000। बात की जाए यदि कितना 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो हमने 3x माना था, तो ये होगा आपका 3000। और बात की जाए यदि कितना 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए में 1000 का गुणा करेंगे तो ये आपका होने वाला है 50 रुपए की नोटों की संख्या, हाँ ये कितना माना था 5 माना था, हाँ 5, ये होने वाला है आप लोगों का 5000। ये थी इनकी संख्या, आप लोगों ने पूछा गया 100 रुपए की नोटों की संख्या थी 2000, 50 रुपए की नोटों की संख्या थी 3000, 10 रुपए की नोटों की संख्या थी 5000। तो आप लोग सोचना चाहिए इतना रुपए यदि आप लोगों के पास आ जाए तो क्या करोगे, बच्चे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर कह के बताना क्या करने वाले हो, इतना रुपए यदि आपको मिल जाए सोचता हूँ यदि किसी का बेचारा अच्छा लगे कुछ अपन उसके साथ अच्छा ही करने वाले हैं। इसी के साथ हम 15 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोगों को भी परेशानी हो तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और आसानी से इसको साथ ही साथ नोट करते जाना है, समझ में नहीं आता है तो पूछते भी जाना है, इसीलिए हम प्रीमियर ग्रुप में क्लास लेकर के आते हैं, जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी आप लोगों की लाइव क्लासेस भी लेकर के आए। इसी के साथ आप लोगों को अगला जो क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, मेरे पास हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखना है, मेरे पास 300 रुपए के 1, 2 और 5 रुपए वाले सिक्के हैं, 300 रुपए टोटल रुपए कितने 300 और सिक्कों के रूप में है जो कि क्या 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से कितनी गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। क्वेश्चन लगभग थोड़ा तिरछा है, आप लोगों को थोड़ा सा समझ के काम लेना है, आप लोगों को एक बार और देखना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं आप लोगों से, आई हैव ए टोटल 300 इन कॉइन्स, डिनोमिनेशन जो आप लोगों का दिया गया है 1, 2 and 5 rupees का, तो द नंबर ऑफ 2 coins इज 3 times द नंबर ऑफ 5 coins, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन 160, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिमोनिशन आर विथ मी। तो आप लोगों से सीधा सीधा पूछा गया है, तो आप लोग क्या है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं ये आप लोगों को बताना है, आप लोगों को अपनी किताब फिर से जो है ध्यान देना है कि मैं फिर से बताना चाहूंगा, आप ही लोगों की बुक से हम पढ़ाते हैं और ऐसा खास कुछ भी नहीं होता। तो आप लोगों को एक छोटा सा एंट्री दिया गया है क्वेश्चन में, क्या मेरे पास 300 रुपए के 1, 2, 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3 गुनी है, तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3 गुनी है कितने 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो हम मानते हैं क्या माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर दिया गया आप लोगों का कौन सा 15, तो इसमें क्या आप लोगों 5 रुपए वाले क्वेश्चन जो पूछ रहा है, तो माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की यदि बात करें हम तो कितने होंगे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमारी कितनी होने वाली है x, क्योंकि x ही माना पड़ेगा ना, क्योंकि यही तो हमें हिंट मिली है क्या कह रहा है वो इससे कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, तो मतलब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3 गुनी है, तो तब आप लोगों का क्या तब 2 रुपए वाले वाले सिक्कों की संख्या तब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होने वाली है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या इनकी 3 गुनी मीन्स 3x होने वाली है। अब आप लोगों को यहां तक इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, अब बात करते हैं हम 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या उसने हमको टोटल दे रखा है कितना टोटल दे रखा है हम लोगों 160 कॉइन उसके पास है। अब 160 कॉइन से 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की बात की जाए तो ये तो 5 रुपए वाले ही हो गए 2 रुपए वाले, यदि इन दोनों को जोड़कर बात को समझो टोटल दिया गया 160, अब आप लोगों को क्या है 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ये दी गई है और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ये दी गई है, यदि इन दोनों को जोड़कर 160 में से यदि घटा दिया जाए यदि माइनस कर दिया जाए तो आप लोगों की संख्या बचेगी नंबर ऑफ कॉइन्स जो बचेगा आप लोगों का जो भी रिमाइंडर होगा
वो आप लोगों का 1 रुपए का सिक्का ही तो हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। मीन्स 160 में से आप लोगों को माइनस करना है इन दोनों का योग करना है, इतना जो बचने वाला है वो 160 में से जो कुछ भी घटने के बाद बचने वाला है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या होने वाली है। ओके, इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। सेम पैरा जो क्वेश्चन था उसी की तरह हम लोग करना है। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या एक्स मानी है हम लोगों ने, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या एक्स मानी है, तो 5 रुपए की संख्या एक्स है उससे हमें मूल्य कितना प्राप्त होने वाला है। मीन्स कहने का 5 रुपए वाले सिक्कों की नगदी, सिक्कों की नगदी, नगदी का मतलब 5 रुपए वाले 10 कॉइन हो, तुम्हारे पास 50 रुपए होंगे ना, लेकिन सिक्कों की संख्या एक्स है तो 5x होगा, सीधी सीधी बात है। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगा, संख्या वो नगदी मतलब कितने रुपए हमारे हाथ में होंगे यदि वो 5 रुपए वाले होंगे सिक्के, तो 5x होगा मीन 5x होगा। क्यों होगा मैं आपको बता चुका हूँ, यदि 5 5 रुपए वाले 10 सिक्के हैं तो आपके पास 50 रुपए होंगे। अब वो लाए 5 रुपए वाले एक्स सिक्के हैं तो 5x ही होगा, सीधी सीधी बात है। जब मल्टीप्लाई करते हैं 5x, तो यहाँ पर भी तो वही किया जा रहा है, और क्या। अब बात करते हैं 2 रुपए वाले सिक्कों की, 2 रुपए वाले सिक्कों की नगदी कितनी होने वाली है, 3x माना है, तो 3 और x तो ये हमने माना है। अब बात हो रही 2 रुपए की, तो 2 रुपए के भी तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब बात करते हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए की सिक्कों सी नगदी, नगदी जो हमें प्राप्त होगी वो यही प्राप्त होगी ना, क्योंकि हमें इसमें 1 का ही गुणा करना है, 160 माइनस और इसका जोड़ हो जाएगा 4x, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। मींस आप लोगों की ये नगदी रकम है और आप लोगों को क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया गया है, तो नगदी आप लोगों की होने वाली है वो 300 रुपए की है, कितने की है 300 रुपए। ऊपर वाला नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको नोट कीजिएगा, हाल ही आप लोग नोट करने का कोशिश कीजिएगा, तो आप आगे आपको ले जाने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा मिटाता जाता हूँ। जो लोग भी हमारे साथ ही हमारे बच्चे जो प्यार से पढ़ते हैं हम लोगों को पढ़ाने की, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुछ बच्चे जो है मस्ती करने के लिए भी आते हैं, कुछ नहीं है तो थोड़ा ट्राई मारू, अरे जिंदगी जब ट्राई मारेगी तब तुम्हें ट्राई मारने का मौका भी नहीं मिलेगा। कोशिश करता हूँ भी पढ़ लो तो ठीक रहेगा, और ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो घर बैठ के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा इसमें इनके लिए लेते हैं, इनको अपन मार्कर भी चेंज के लेते हैं। दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो योग, इनका योग क्यों, क्योंकि सिक्कों की नगदी है ना, मतलब जितने हमारे पास रुपए हैं उतनी तो होंगे, एक्चुअल में हमारे पास एक्स के रूप में, तो सिक्कों की नगदी कितनी होने वाली 5x प्लस 6x और प्लस होने वाला है आपका 160 माइनस का 4x, इसको दिया गया आप लोगों का 300 रुपए ही तो है, यदि हम ऐड करते हैं हो आपका कितना 11 एंड माइनस का 4 यदि आप लोगों को करना है तो आप लोगों को होने वाला है 7x, मीन सीधा सीधा 7x प्लस 160 इसको टू 300। बात करें यदि 7x की, तो 7x आप लोगों का बात करें यदि हमें ये आपका 7x दिया गया है, ये 160 तो इसको यदि अपन माइनस करते हैं तो ये आप लोगों क्या आने वाला है 0, और इसमें से यदि इसको माइनस करते हैं आप लोगों का 4 आने वाला है, माइनस यहाँ पर आप लोगों का 2 हो जाएगा, तो आप लोगों का 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों का 7x दिया गया है, x का वैल्यू यदि आपको फाइंड करना है तो आप लोगों का 140/7, तो यदि इसको कट करते हैं तो आप लोगों का 20 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही आप लोगों का x = 20 दिया गया है। अब आप लोगों को एक बार फिर से क्या है, क्वेश्चन में लौट करके जाना है, क्वेश्चन आप लोगों से डिमांड क्या कर रहा था, क्वेश्चन आप लोगों से डिमांड क्या कर रहा था, आप लोगों को जो फाइनली आप लोगों क्वेश्चन की ओर जाना है कि आप लोगों से नॉर्मली डिमांड कर रहा था क्या, कि 5 के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आप लोगों को जो है फाइंड करनी थी। तो आप लोग क्या होता है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने एक्स मानी थी, तो आपको पता है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने क्या मानी थी एक्स, तो मीन्स आप लोग 5 रुपए सिक्कों की संख्या जो है 20 आएगी। इसी के साथ ही बात करें 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या थी आपने किताब में ही दिया गया है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 गुनी थी, मीन्स ये आप लोगों का 3x होगा। अब यदि ये 3x होगा तो ये आप लोगों का 3x का वैल्यू आप लोगों को 20 दिया गया, इसके यदि आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपको 60 आंसर होगा, मीन्स 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी आप लोगों की 60। अब बात करते हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो आप लोगों का टोटल कॉइन कितना था, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के लिए हमने क्या रखा था 160 एंड माइनस आप लोगों का किया गया था 4x, इन दोनों के एक के बराबर था ना, मीन्स आप लोगों का 160 एंड माइनस आप लोगों का हो जाएगा 80। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या यदि बात करें तो 80 हो जाएगी, मीन्स आप लोगों का जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो आप लोगों का फाइंड हो चुका है।
5 रुपए की सिक्कों की संख्या, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या और 1 रुपए की सिक्कों की संख्या जो आपको पूछ रहा था वो आप लोगों का फाइंड हो चुका है। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपए की सिक्कों की संख्या आप लोगों की 80 आ चुकी है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का जो आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की हम चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आप लोगों से ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है आप लोगों से क्या, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे, एक क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया 16 तो ये लास्ट नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, कहता है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज ऑफ 100 रुपीज एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट 25 रुपीज। मीन्स एक कॉम्पिटिशन करवा रहा है कोई ऑर्गेनाइजर, तो जिसमें वो आप लोगों से क्या करवा रहा है कि जो कोई भी विनर होगा उसको तो वो 100 रुपए देने वाला है और जो कोई भी पार्टिसिपेट करेगा भले ही वो हार जाए तो उसको भी 25 रुपए मिलने वाले हैं। भाई ऐसे कॉम्पिटिशन में तो जो पार्टिसिपेट हमको करना ही चाहिए। इसके साथ क्या कर रहा है, टोटल प्राइस को 3000 रुपए बांटने, 3000 रुपए उसके बाद ब्लैक मनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है आप लोगों के बीच। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो आप लोगों को जो जितने लड़के जीते हैं उन लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मानते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज हु इज बॉर्न, या आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं लेट द नंबर ऑफ विनर्स बॉयज इज, हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे माना कि, हिंदी मीडियम की भाषा बहुत ही आसान है, तो माना कि विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या की यदि हम बात करें तो कितना होगा x होगा, माना कि विजेताओं की संख्या कितनी है x, आप लोगों का दिया गया विजेताओं की संख्या है आप लोगों का x। अब इसके साथ आप लोगों का दिया गया है क्या कि जो शेष प्रतिभागियों की संख्या की यदि बात करें तो विजेता यदि x हो चुके हैं टोटल जो पार्टिसिपेंट थे कितने थे 63। अब ये तो जो है विनर है तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हमारे हारे हुए लोगों की संख्या, हम कहेंगे शेष प्रतिभागियों की संख्या, 63 टोटल थे अब उसमें से क्या है जो इतने लोग जीत चुके हैं तो शेष प्रतिभागी संख्या या जीते हुए सॉरी हारे हुए खिलाड़ियों की संख्या या शेष प्रतिभागियों की संख्या शेष प्रतिभागियों की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो आप लोगों क्या होने वाला है 63 माइनस एक्स। ओके, इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहता है आप लोगों से, इससे सेम पहले वाले क्वेश्चन में जिस प्रकार से ये दिया गया था तो इसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को करना है कि उसको टोटल कितने रुपए बांटने हैं, 3000 रुपए उसको टोटल बांटने हैं। अब विजेताओं को उसको 100 रुपए देने हैं, तो दिया गया है क्वेश्चन में विजेताओं को दी जाने वाली राशि, विजेता प्रतिभागी, विजेता प्रतिभागियों को दी गई राशि, विजेता प्रतिभागियों को दी गई राशि के बारे में यदि हम बात करें तो एक प्रतिभागी को कितना 100 रुपए मिलने वाला है, प्रतिभागी संख्या x है, जैसे कि मैं आपको बात करना चाहूंगा आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को मैं 100 रुपए देने वाला हूं यदि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, अब यदि मैं एक बच्चे को 100 रुपए देने वाला हूं तो आप ऐसा मत सोचना मैं दे दूंगा, फिलहाल तो आप लोग पढ़ना है उसके बाद कुछ हो पाएगा आप लोगों का, अच्छे खासे नंबर लाते हो मुझे रिजल्ट ला के दे दो 100 रुपए मैं दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो विजेता प्रतिभागियों की संख्या आप लोगों को दी गई एक्स, अब बात कर रहे हैं आप लोगों की दी गई राशि है, यदि आप लोगों की संख्या हो 10 में प्रत्येक को 100 रुपए दूं तो प्रत्येक कितना 1000 रुपए हो जाएगा ना, कैसे फाइंड किया मल्टीप्लाई करके, इसी प्रकार से इनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितना 100x हो जाएगा। अब बात करते हैं शेष प्रतिभागियों की संख्या आप लोगों का दी गई है तो शेष प्रतिभागियों को, या कह दें हारे हुए, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना, हारे हुए शब्द क्या है मन को हरा देता है, तो शेष प्रतिभागी यो शेष प्रतिभागियों को दी गई राशि, शेष प्रतिभागियों को दी गई राशि कितनी होगी 63 माइनस एक्स इंटू 25 होगा, 25 क्यों होगा दोस्तों, 25 इसीलिए होगा क्योंकि प्रत्येक को 25 रुपए दी जा रहे हैं ना, ये इतनी संख्या है इनके इतनी राशि दी गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आप लोगों से सीधा सीधा कहा गया है 3000 रुपए बांटना है और 3000 रुपए यहाँ हमको क्लियर देखना है कि 3000 रुपए इन दोनों के योग के बराबर होंगे क्योंकि इनको 100 रुपए दिए गए प्रत्येक को, तो इनको टोटल इतने रुपए दिए गए
राशि रुपए में आएगी, ये इनको इतने रुपए दिए गए, मतलब इन दोनों रुपयों का तीन राशि बराबर होने वाला है। तो इनको हम जोड़ दीजिएगा 100x प्लस 63 माइनस 25 और इसको दिया गया आपको 300 दिया गया, नो प्रॉब्लम। अब हम लोगों को एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा कि 25 हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो 25 हमने कॉमन ले लिया। यहां बचेगा आप लोगों का 4x प्लस अंदर बचने वाला है 63 माइनस का x, ओके, और ये आप लोगों का हो गया 300। यहां तक आप लोगों को आशा करता हूं कोई परेशानी ना हो। अब मैं इसको रफ करने वाला हूं ऊपर वाली लाइन को। दोस्तों हाल ही साथ ही साथ उतारने की कोशिश किया करो, यदि समझ नहीं आता है तो थोड़ा वीडियो को पोस्ट कर दिया करो, ओके, नोट करने के लिए थोड़ा वीडियो को पोस्ट कर दिया करो। अब इसी के साथ हम यदि बात करें तो 4x प्लस, अब ये माइनस ये आप देख सकते हो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो आप लोगों को कितना बचेगा 3x रहेगा, 3x प्लस 63 एंड माइनस इक्वल टू 300 आप लोगों का जो दिया गया है डिवाइडेड बाय से होगा आपका 25 से। करते हैं 1 एंड 5 टाइम्स जाएगा 2 एंड 1 टू 0, 3x जो आप लोगों का आने वाला है 1 टू 0 है आप लोगों का, माइनस 63 होगा, होगा यानी 10 ये जाएगा तो ये 7 होने वाला है एंड ये आप लोगों का होने वाला है 5। अब यदि हम इसकी बात करें तो x का जो वैल्यू आप लोगों को प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला है x का वैल्यू, जो आपका x का वैल्यू प्राप्त होगा, x का वैल्यू फाइंड करना है हमको, 57/3 होगा, सॉरी 57/3 इसे यदि काटते हैं तो 19 आएगा, इस x का वैल्यू आप लोगों को 19 आया है। तो मेंस कहने का उसने पूछा था विजेता प्रतिभागी की संख्या, और विजेता प्रतिभागी संख्या हमने क्या एक्स माना था, तो विजेता प्रतिभागी की संख्या आप लोगों का 19 आप लोगों का राइट आंसर हो चुका है, ओके। इसी के साथ आप लोगों का जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि कोई भी यदि आप लोग कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग हमसे संडे कमेंट बॉक्स के द्वारा, या कोई भी परेशानी होती है आप हमको किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में सीधा देख सकते हो, प्रत्येक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर देता हूं, ओके। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल हम घर पर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारी फैकल्टीज आप लोगों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हैं, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, वो भी मेरे द्वारा, तो हर एक चीज आप लोगों को घर बैठे उपलब्ध होने वाली है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।